लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और शाहजहांपुर की जनता हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। शाहजहांपुर तो जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के, वो राजेश कश्यप है। अभी तमाम और जो पार्टियां हैं उन्होंने अभी घोषणा नहीं करी है अपने प्रत्याशियों की। तो जनता जनार्दन हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि आखिर जनता का क्या मूड है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विपिन त्रिपाठी। विपिन, ये बताइए कि क्या, किस तरीके का क्या मूड है इस बार जनता का, क्या कहना चाहेंगे? जनता का ये मूड है, अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए जो हम लोगों के बीच में खड़ा उतरे। विकास कार्य हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सुना तो नहीं जा रहा कुछ। और यहाँ व्यापारी से लेकर सभी परेशान हैं, खुदाई हो रही इसमें जल्दी कुछ नहीं हो पा रहा। जो भी प्रत्याशी हो बढ़िया हो, ताकि जो है सब लोगों को देखें। ठीक है, कहना है कि प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। बात करेंगे और लोगों से, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषणा कर दी है, अब जानेंगे कि आखिर वो प्रत्याशी कितना सही होगा, क्योंकि जनता क्या चाहती है शाहजहांपुर के बारे में, क्या जानते हैं? कैसे समाजवादी पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी घोषित करा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए जो कि हमारे दुख दर्द खुशी में शामिल हो सके। बाहरी प्रत्याशी आज है कल नहीं मिलेगा, उसका कोई मसला नहीं रह जाता है, लेकिन प्रत्याशी हमारा अपना हमारे बीच से होना चाहिए जो हमारी बात को, हमारे दुख दर्द को समझे, हमारी खुशियों में शामिल हो, हमारे दर्द में शामिल हो, हम उससे अपनी कोई बात कह सकते हों। पता, जो समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित करा है, ये दिल्ली के मूल निवासी दिल्ली के हैं। अब अगर कोई किसी जनता को, किसी को, हम लोगों को अगर कोई काम पड़ता है तो हम उन्हें यहाँ तो मिलेंगे नहीं, यहाँ तो उनका कैंप कार्यालय होगा। अपने कैंडिडेट से, सांसद से मिलने के लिए हमें दिल्ली जाना होगा। अगर हमारा यहीं का कोई प्रत्याशी होगा तो हम उसके दरवाजे पर जा सकते हैं, वो हमारी समस्याएं सुनेगा, हमारी समस्या का समाधान करेगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रत्याशी जो भी हो वो हमारी समस्याएं सुने, प्रत्याशी लोकल होना चाहिए। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जो पिछले जो सांसद थे क्या वो बने रहेंगे, क्या उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस क्या क्या मानते हैं आप? हमारा तो मानना यह है कि शाहजहांपुर में कोई भी प्रत्याशी आए वो हमारे शहर के लिए काम करे और हम लोगों के लिए काम करे, बस यही हमारी मांग है उन लोगों से। जो पिछले जो प्रत्याशी, जो भाजपा के जो सांसद हैं अरुण सागर, क्या मानते हैं, क्या उनका किस तरीके का यहाँ पर जो काम रहा है उसके बारे में? बहुत अच्छा काम किया, विकास हो रहा है शाहजहांपुर का, और हमेशा से, पहले तो कभी हमने देखा नहीं, लेकिन अब कंटिन्यू चल ही रहा है काम। थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ रही, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आराम भी तो मिलेगी उन सब चीज़ों से, तो विकास तो चल रहा है कुछ समय के बाद, लेकिन विकास चल रहा है और विकास हो रहा है। मौजूदा सांसद ने विकास किया, इनका कहना है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे कि आखिर और क्या बदलाव होने चाहिए शाहजहांपुर के लिए, क्योंकि अभी तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर, अभी डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी यूनिवर्सिटी नहीं है तमाम, और अगर अस्पतालों की बात की जाए तो तमाम और बड़े अस्पताल भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जनता यहाँ पर परेशान थी। हम जानेंगे इनसे, क्या मानते हैं आप? हमारे यहाँ शाहजहांपुर चिन्मयानंद जी ने एक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव रखा हुआ है और उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी बनने की उम्मीद है शाहजहांपुर में। दूसरा ये है कि विकास कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, विकास कार्य में कोई समस्या ऐसी नहीं आ रही है कि जो कोई अवरोधक हो। और हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी ने यहाँ पे नगर निगम घोषित करवाया है, इस वजह से हमारे शहर का काफ़ी नाम आगे ऊंचा हो रहा है, काफ़ी नाम है, काफ़ी विकास। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे उनसे कि आखिर किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी ने अभी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। जानेंगे कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी हमारे शहर का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए, जो हमारा काम करे, ना कि अगर किसी का कोई काम होता है तो चक्कर लगा लगा के इंसान परेशान हो जाता है पर उसका काम नहीं होता है। बाकी विकास तो चल ही रहा है, आगे भी चलेगा, है ना, और जो भी है शहर का ही होना चाहिए अपना, बाहर का नहीं होना चाहिए प्रत्याशी। उनका कहना है कि जो भी प्रत्याशी हो वो शहर का हो, इनकी बात सुने, जनता की बात सुने। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या डेवलप होना चाहिए शाहजहांपुर में, जो अब तक की अरुण सागर के रहते हुए नहीं हो पाया है, क्या चाहते हैं आप? देखिए, अरुण सागर को तो लोग, बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं, ना उनका चेहरा देखा है, और वैसे काम सिर्फ उन्होंने खुदाई का ही चलो किया है, ठीक है, रोडें बनाई, सब बनाया, बाकी लोगों को नौकरी वगैरह कुछ नहीं दी, उसके नाम पे जीरो है। जनता का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह जो प्रत्याशी होना चाहिए वो जनता के बीच का होना चाहिए, और बात की जाए अगर प्रत्याशी की तो ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो शहर का विकास करे, क्योंकि जो
लोगों ने जो बताया है कि अरुण सागर यहाँ पर दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो होना चाहिए वो इनके बीच का होना चाहिए और विकास की बात करें। शाहजहाँपुर, तुम सक्सेना, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।